नमस्ते, मैं कुमार जोशी फिर से आपका स्वागत करता हूँ एस्ट्रो वर्ल्ड ऑफ कुमार जोशी में। और मैं आज एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूँ, लव मैरिज। छोटा सा सब्जेक्ट है, ज़्यादा बात नहीं होगी इस पर, बट बेसिकली आपको आइडिया देना है। एस्ट्रोलॉजर को जनरली एक ही सवाल पूछा जाता है, जब भी हम देखते हैं 16-17 साल का कोई आता है, 20-25-22 साल का, हमारे पास एक ही क्वेश्चन पूछता है कि मेरा लव मैरिज होगा या नहीं, मेरा लव मैरिज होगा या नहीं, एक ही क्वेश्चन होता है इनके पास, 16-17-20 साल के लड़के लोगों के पास। और जनरली सीखता भी आदमी एस्ट्रोलॉजी इसी से है, तो मैं टुडे आई विल एक्सप्लेन यू किस तरह से कुंडली को, किस तरह से इसमें से कुंडली से हम जज कर सकते हैं कि इसमें लव मैरिज है या नहीं। और प्यार बेसिकली हाउ दे विल एक्सप्लेन, जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ आपको, बेसिकली फिफ्थ हाउस है हमारी कुंडली में, लग्न से पंचम भाव, ये लव का हाउस है। इट इज़ अ लव हाउस, हाउस ऑफ अ लव, प्यार करने की जगह है। अगर जो यहाँ पर, अगर जो लव हाउस जनरली शुक्र है, ये आकर्षण का कारक है। बेसिकली शुक्र हमें किसी की तरफ आकर्षित करता है, तो ये शुक्र हमारा आकर्षण का कारक है। जब मंगल के साथ होता है, शुक्र बिगड़ना जरूरी होता है। बेसिकली शुक्र बिगड़ता कब है, ये कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। शुक्र मने आकर्षण, मंगल मने आग। शुक्र मंगल से बिगड़ता है, आग से। शुक्र बिगड़ता है राहु से, शुक्र मने आकर्षण, राहु मने राक्षस। ये राक्षस ही आकर्षण निर्माण करता है। शुक्र मंगल की युति हो कुंडली में, कहीं भी कोई भी हाउस में शुक्र राहु की युति हो, शुक्र राहु का अपोजिशन हो, केतु भी वैसा है। ये शुक्र केतु का जब संबंध होता है, तो ये केतु को जो गुप्तता से संबंध है, ये रहस्यमय रह जाता है, ये पब्लिक के सामने कभी नहीं मालूम पड़ता। बेसिकली इफ यू सी द केतु इन द फिफ्थ हाउस, प्यार के हाउस में जब केतु होता है, तो आप ये नहीं जज कर पाते कभी कि ये आपका, ये केतु कभी भी ये पब्लिक के सामने ओपन नहीं होता है। बट ये एक छुपा, एक गुप्त रहस्यमय प्रेम है। और सबसे बड़ा है विनस के साथ चंद्र, चंद्र विनस और चंद्र, ये सेक्स है, ये मून थिंकिंग है। ये भी मून और शुक्र और चंद्र की जोड़ी भी कुछ गड़बड़ वाली जोड़ी है। ये भी अगर कुंडली में बेसिकली देखिएगा, किसी भी चार्ट में अगर विनस के साथ, शुक्र के साथ मंगल है, राहु है, शुक्र के साथ राहु है, शुक्र के साथ केतु है, शुक्र के साथ चंद्र है, यह उसका ही अपोजिशन है कुंडली में कहीं भी हो। बेसिकली देखिए 6, 8, 12 यह होगा तो ये प्यार गवाना पड़ेगा। लॉर्ड ऑफ द फिफ्थ, पंचम स्थान का स्वामी, अगर जो आपके ये कॉम्बिनेशन है, तो आपका सेक्स बढ़ता रहेगा, शुक्र आपका बढ़ता रहेगा, उसकी वजह से सेक्सुअल अट्रैक्शन निर्माण होता है। सेक्सुअल अट्रैक्शन ही लव मैरिज की तरफ ले जाता है बेसिकली। और ये अगर जो शुक्र मंगल का अगर ये कॉम्बिनेशन 6, 8, 12 में है, तो कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं देता। अभी बेसिकली ये वीनस को देखिए, अगर लग्न में है, कोई भी लग्न हो और अगला लग्न में वीनस है, मेष हो, वृषभ हो, मिथुन हो, कर्क हो, कोई भी लग्न हो और लग्न में शुक्र हो, ये आदमी अच्छी तरह से जानता है किस तरह से खुश रहना है, वो दूसरों को आकर्षित कर सकता है। कोई भी लग्न में शुक्र हो, वो दूसरों को आकर्षित करने में बहुत होशियार होता है। तो वो भी मैंने जनरली देखा है कि लग्न का शुक्र भी सफिशिएंट है मेरे लव मैरिज करने के लिए, किसी को आकर्षित करने के लिए। अपोजिट सेक्स को उसकी आंखों में बहुत कुछ दिखाई देता है। बेसिकली शुक्र है ये सेक्स का कारक है। वृषभ राशि, तुला राशि और मीन राशि, ये शुक्र की प्यारी राशियां हैं। वृषभ और तुला शुक्र का घर है, और मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है। ये इसके लिए शुक्र की प्यारी राशि है मीन, वृषभ, तुला और मीन। रिमेंबर, अगर आपका वृषभ लग्न है, आपका तुला लग्न है, आपका मीन लग्न है, तो आप दूसरों को आकर्षित कर सकते हैं। वो आकर्षित करने की कला सिर्फ शुक्र में और किसी ग्रह में नहीं है। बेसिकली शुक्र आकर्षित करता है, बट शुक्र के साथ जब ऐसे नेगेटिव ग्रह उसके साथ होते हैं, उसको देखते हैं, तो डेफिनेटली रिजल्ट देता है। और एक बात बता रहा हूँ मैं, लग्न लॉर्ड लग्नेश जब पंचम में होता है, अगर यहाँ कोई भी ग्रह का कोई भी स्वामी हो, लग्न आपका लग्न मेष लग्न है, और अगर पंचम में मंगल है, मेष का स्वामी मंगल पंचम में है, वृषभ लग्न है, और अगर आपका शुक्र ही पंचम में है, कोई भी लग्न का स्वामी अगर जो पंचम में है, फिफ्थ हाउस में, ऐसा आदमी या ऐसी औरत बिना प्यार करे जी ही नहीं सकती, बिना प्यार करे वो जी ही नहीं सकता। तो वो भी बेसिकली व्हेन इट इज, यहाँ लव तो आ गया, बेसिकली मैरिज का लव तो आ गया, लग्नेश पंचम में हो या फिफ्थ लॉर्ड लग्न में हो, यानी कि ये प्यार के पास जाता है या प्यार इसके पास आता है।
मैं फिर से बता रहा हूँ, लग्नेश पंचम में हो यानी ये प्यार करने वाला है, लेकिन अगर तो फिफ्थ लॉर्ड लग्न में है यानी कि प्यार इसके पास खुद चल के आता है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। प्यार अगर इसके पास खुद चल के आता है तो ये भी एक लव मैरिज का लक्षण है। मैरिज लाइफ हैप्पी या डिसहैप्पी उस पर बहुत चीज इफेक्ट बहुत काम करती है, बहुत सारी चीजें। बट बेसिकली लोग हमसे पूछते हैं कि मेरा लव मैरिज होगा या नहीं, तो इट्स वेरी इजी। इस तरह से अगर जो है तो आप बोल सकते हैं कि आपके जीवन में प्रेम आएगा, प्रेम आएगा, लेकिन 6-8-12 में अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो आप कह सकते हैं कि वो प्रेम का पत्ता आगे नहीं बढ़ेगा। फिफ्थ हाउस में राहु, राहु इन द फिफ्थ हाउस बहुत बड़ा नेगेटिव बात है। राहु इन द फिफ्थ हाउस कभी कभी ये अपने से नीचे तरफ जी के लोगों से प्यार का चक्कर चला देता है। राहु राक्षस है, राहु इन द फिफ्थ हाउस, ये एजुकेशन में भी फिफ्थ हाउस का राहु ब्रेक कराता है, बट फिफ्थ हाउस का राहु प्रेम के चक्कर में पार देता है आदमी को। राहु के साथ वीनस इन द फिफ्थ पूछो ही मत, 100% लव मैरिज के चांसेस बना देता है। ये राहु फिफ्थ हाउस में लव का चांसेस 100% बढ़ाता है, बट इसमें फेलियर के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि राहु एक भ्रम निर्माण करता है। भ्रम मतलब एक ऐसा नहीं है फिर भी उसको दिख रहा है, वैसा एक चित्र राहु दे सकता है। राहु मतलब भ्रमित करना, राहु मतलब वह जन्म से संबंधित चीज। अगर राहु फिफ्थ में है तो एक बात याद रखो कि आपके जीवन में कभी ना कभी फिफ्थ हाउस से राहु संबंधी हुआ, यानी कि आपको ऐसा कैरेक्टर मिलना ही है जो आपके गए जन्म का कुछ हिसाब से वो वापस आने वाला है। फिफ्थ हाउस में राहु अच्छी बात नहीं है, फिफ्थ हाउस का राहु लव मैरिज के चांसेस नहीं, लेकिन लव का चांसेस तो 100% देता है। बेसिकली ये एक हिंट है, बाद में आप पामिस्ट्री के हिसाब से देख लीजिएगा। जो भी लव मैरिज वाले हैं उनके मैंने देखा है जुपिटर माउंट फर्स्ट फिंगर ये गुरु की उंगली है, उसके नीचे एक यहाँ क्रॉस दिखाई देगा। गुरु के फिंगर के नीचे एक क्रॉस दिखाई देगा इस हाउस में, राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में, जो भी हाथ को यूज करता है यहाँ ऐसे क्रॉस दिखाई देगा। बेसिकली ये क्रॉस आपको दिखाई देगा ही, ये लाखों में एक क्रॉस दिखाई देता है। ये जुपिटर की ताकत कम करता है और शुक्र की ताकत बढ़ाता है। गुरु कमजोर हो गया यहाँ फुल्ली से, और ये क्रॉस से विनस की ताकत बढ़ गई। इंटेलेक्चुअल लाइन और लाइफ लाइन, इंटेलेक्चुअल लाइन यानी मस्तक रेखा और जीवन रेखा, ये भी अलग अलग होती है इनके हाथ में। आई हैव सीन लॉट ऑफ हैंड्स, लॉट ऑफ पाम्स, इसमें मैरिज लाइन में ये दोनों, ये मस्तक रेखा और लाइफ लाइन, जीवन रेखा और मस्तक रेखा अलग अलग होती है। ये शुरुआत ही ऐसे करती है बेसिकली, दिस इज अ लाइफ लाइन, तो ये मस्तक रेखा इससे कनेक्टेड से नहीं निकलती, बट ये थोड़ी अलग निकलती है, ऐसे निकलती है। आप देखेंगे जब हाथ में, तो ये बेसिकली ये दो चीज और जुपिटर माउंट पर क्रॉस, ये तीन चीज, और ये वीनस माउंट पर कभी कभी जाली भी दिखाई देती है। ये भी एक वीनस माउंट है, शुक्र का पर्वत है हाथ में, यहाँ ये जाली दिखाई देती है, तो भी ये शुक्र का पावरफुल होने का रिजल्ट देता है। कभी कभी मैंने लाइफ में और एक चीज देखा है कि ये हार्ट लाइन है, बेसिकली दिस इज द हार्ट लाइन। ये हार्ट लाइन के ऊपर एक शुक्र कंकण होता है, छोटा सा शुक्र कंकण होता है, हार्ट लाइन के ऊपर एक दूसरी हार्ट लाइन जैसी चलती हुई दिखाई देती है, और ये कंप्लीट जब हो जाती है, कंप्लीट होती है, इनकम्प्लीट शुक्र कंकण अच्छा नहीं होता। ये शुक्र कंकण अगर जो हार्ट लाइन के ऊपर जो और एक हार्ट लाइन है उसको शुक्र कंकण बोलते हैं। ये शुक्र की ताकत बढ़ाता है, ज्यादातर कलाकारों के हाथ में देखा जाता है, ये लोग भी लव मैरिज करते हैं। शुक्र आकर्षण का ग्रह है, राहु के साथ होता है, राहु कोई नियम में नहीं मानता, राहु किसी नियम में नहीं मानता, राहु राक्षस है, कोई नियम में नहीं मानता। जब राहु के साथ शुक्र की ताकत है, इस तरह से शुक्र कंकण है, शुक्र को भी किसी कायदे कानून से अलग ही इसका अपना कायदा है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए लव मैरिज का तो प्लीज देखिएगा, डेफिनेटली वीनस बिगड़ा होना चाहिए। वीनस बिगड़ा यानी काम हुआ उसका। वीनस मंगल से, राहु से, केतु से या चंद्र से बिगड़ता है। वीनस का चंद्र से कलाकारों के जीवन में होता है, ये मानसिकता के लेवल पर ऊंचाई पर ले जाता है। जब भी चार्ट देखो तो प्लीज इसको देखिएगा, और आपके अपने ओपिनियन मुझे शेयर कर सकते हैं, प्लीज मुझे शेयर करिएगा। अगर जो आपको लगता है ये वीडियो अच्छा है, और प्लीज ये नए जो कोई सीख रहा है, डेफिनेटली इसमें मैंने कुछ चीजें आपको बताई है काम आएगी, और वो आप अपने चार्ट में भी देख सकते हैं। बेस चार्ट में अगर आपने ये देखा, बेसिकली फिर वापस आगे भी देखना है आपको नवांश कुंडली, ये मैरिज के लिए आपको नवांश देखना पड़ेगा। ये तो लोगों को लव में बहुत इंटरेस्ट है, लोगों को प्यार में बहुत इंटरेस्ट है, तो लव के बारे में मैंने ये बताया है। मैरिज के बारे में, मैरिज इज अ बिग सब्जेक्ट, उस पर मुझे एक वीडियो और डालना पड़ेगा। मैं मैरिज को बेसिकली आपको ये लव मैरिज के लिए इसलिए छोटी सी हिंट दिया हूँ, आप मेरा मैरिज का और वीडियो को एक्सपेक्ट करिए। मैं
थोड़े दिनों में दे रहा हूँ, बी प्लीज बी विथ मी, मेरे साथ रहिएगा, मेरे वीडियोस को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, एंड थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, कुमार जोशी मैं यहाँ रुकता हूँ, और अगर कोई शक है अगर आपको तो इस मोबाइल पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर है 9833524623 और दूसरा मोबाइल नंबर है मेरा 7977846465। इस वीडियो के बारे में आपको कोई भी शक है, कोई भी डाउट है तो प्लीज शेयर विथ मी, मेरे साथ आप बात कर सकते हैं, मैसेंजर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई दूंगा, इट्स माय प्लेजर, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। नमस्ते।